वीडियो आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना आसान बना देगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो ऐसी रिसोर्सेज देने वाला हूँ कि आप भी सुनकर कहोगे काश ये पहले मालूम चल जाती। तो ये मेरा प्रॉमिस है, इसी प्रॉमिस के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे पांच ऐसी गलतियों के बारे में जो कि सिर्फ सुनकर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। मैंने अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स बनाया, मेरे पास बहुत सारा फीडबैक आया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की और उसके बेसिस पे ये पांच गलतियां मैंने आप लोगों को बताना सही समझा है। अगर आप लोगों ने मेरा अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स देखा या फिर आप प्रोसेस में देखने के, जल्दी से लाइक कर दो यार मुझे, ताकि पता चले कि आप लोग को मेरा अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स अच्छा लगा। ये 100 वीडियोस हैं जावास्क्रिप्ट पर प्लस 3 प्रोजेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने ये कोर्स एक्सेस किया तो मुझे बताओ कैसा है कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप लोगों को पहली गलती के बारे में बताता हूं। और जो पहली गलती लोग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड करते हैं वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द एसिंक नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस चीज का सिंपल सा मतलब यह है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस होती है। अगर आप लोग सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा में से आ रहे हैं तो आप लोगों की आदत होती है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन की, और ऐसे में आप लोग जब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन देखते हैं तो आप लोग उम्मीद यही करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में भी लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट होंगी। और जब आप लोग इनकाउंटर करते हैं फंक्शंस लाइक सेट टाइम आउट या फिर आप लोग प्रॉमिसेस इंट्रोड्यूस होते हैं तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही मुश्किल है, ये मुझे नहीं सीखनी चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करती हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ चीजें एसिंक्रोनस होती हैं और कुछ सिंक्रोनस होती है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कौन सी कब है और किस तरह से समझनी है। और मैंने अपने अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स में इस चीज को अकाउंट में लेकर सब चीजें बताई हुई है। तो मेक श्योर कि जब आप लर्निंग प्रोसेस में हो तो आप अंडरस्टैंड करें कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारी चीजें डिले हो जाती है, यानी कि एग्जीक्यूशन आपका थोड़ा डिले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेट टाइम आउट या फिर प्रोमिसेस वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझे और ये डिफरेंस समझे जावास्क्रिप्ट का दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले। इसके बाद जो दूसरी गलती बिगिनर्स करते हैं वो है कि बहुत ज्यादा आप लोग रिलाई करते हैं जावास्क्रिप्ट के फॉरगिविंग नेचर में। लेट मी एक्सप्लेन, जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है, यानी कि आप लोगों ने अगर सेमीकोलन नहीं लगाया जावास्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों ने अगर लेट वेयर कॉन्स्ट को यूज नहीं किया जावास्क्रिप्ट को दोबारा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर आप जावास्क्रिप्ट में गलत कोड लिखते हो और जावास्क्रिप्ट कहती है दैट्स फाइन, मैं इसको फिक्स कर लूंगी। लेकिन अगर आप लोग सही गलत नहीं समझते हैं और आप लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन की जरूरत ही नहीं होती, मुझे तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ठीक कर लेगी, ऐसे में आपका लॉजिक बिगड़ता है और आप लोग एक अच्छा लॉजिक नहीं बना पाएंगे अगर इस सोच से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो। ये एक दूसरी बड़ी गलती है जो जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे कि सारी वेरिएबल डिक्लेरेशंस ऊपर आ जाती हैं और बहुत सारे लोग अपने कोड में बहुत सारा पॉल्यूशन फैलाते हैं। कभी नीचे कोई लिख देता है लेट समथिंग, कभी ऊपर लिख देता है वेयर कॉन्स्ट, वो यूज हो रहा है 100 लाइंस के बाद। तो इस तरह की चीज अगर आप लोग करेंगे तो अपने कोड रीडेबिलिटी को खराब करेंगे, और अगर आपने कोड रीडेबिलिटी को अपने खराब किया तो फ्यूचर में आप ही उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या अगर आपको किसी और को हैंडओवर करना है कोड तो वो आपका एज अ डेवलपर क्या ओपिनियन बनाने वाला है ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। इसलिए हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशंस का सही से इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेट वेयर और कॉन्स्ट को समझना चाहिए, वेयर को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है कॉन्स्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे बेसिक्स आप लोगों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में ये चीज बता दी है, वहां से आप लोगों को माइंड में रखते हुए फॉलो करना है, वरना आपको दिक्कत होगी और आप फ्रस्ट्रेट होंगे और हो सकता है कि आप गिव अप कर दें। तीसरी गलती जो कि बहुत सारे लोग करते हैं वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे लोग पुराने कोर्सेज देखते हैं जो बहुत सालों पहले ब्लॉग्स लिखे गए हैं उनको रेफर करते हैं और वहां पे कुछ इस तरह की बातें लिखी होती हैं कि यार जावास्क्रिप्ट में ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअलिटी ये होती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हो गए होते हैं जिनके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चलता। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो जावास्क्रिप्ट का तो आपसे पूछा जाता है कि यार ये कैसे करोगे, आप कहते हो यार ये तो हो ही नहीं सकता, और वहां पर आप लोगों पर ये चीज बहुत बुरी तरह से बैकफायर करती है। इसीलिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीखो, नए से नया कोर्स रेफर करो, एटलीस्ट 10 साल पुराना कोर्स तो रेफर करो ही मत, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो यार, क्योंकि नई नई चीजें जावास्क्रिप्ट में रिसेंटली ऐड हुई हैं। और इसीलिए मैंने अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स बनाया जिसमें सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है, डबल इक्वल टू क्या है, ट्रिपल इक्वल टू से किस तरह से डिफरेंट है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मैप फिल्टर रिड्यूस हो गया, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि चीजों को आसान बना देते हैं, रेजेक्स के बारे में आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग बहुत सारे फंक्शंस में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप लोगों को अगर नहीं आती है या फिर आप लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट भी करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये चीज भाई आप पे बहुत बुरी तरह से बैकफायर करेगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि जो रिसोर्स आप लोग यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न हो और आप लोगों को अच्छी तरह से जावास्क्रिप्ट सिखाती हो। और इसीलिए मैंने पार्टनर किया इस वीडियो में यूडेमी के साथ। आप लोगों को मैं कुछ ऐसे कोर्सेज रेकमेंड करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जो कि आप लोग को इंग्लिश में अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं आप लोगों को जल्दी से कोर्सेज दिखा देता हूं जो कि यूडेमी से मैं रेकमेंड करता हूं। तो यहां पर जो सबसे पहला कोर्स है जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूं वो है जावास्क्रिप्ट द कंप्लीट गाइड 2023। ये
कोर्स मैक्सिमिलियन श्वार्ज़नेगर के द्वारा है और अगर आप लोग इंग्लिश में सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट, एक बहुत बढ़िया कोर्स है, यू कैन गो फॉर इट। मैं इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को एक काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के साथ साथ एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट पैकेज देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यार मुझे पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो दिस इज समथिंग दैट आई रिकमेंड इफ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो एंजेला यू का ये कोर्स काफ़ी बढ़िया है एंड डेफिनेटली प्रीव्यू करें आप इस कोर्स को, और प्रीव्यू करने के बाद आप लोग को पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा कि ये कोर्स किस तरह की चीज़ें आपको सिखाएगा। तो आपको CSS के साथ उसके बाद ये सारी चीज़ें निपटाकर जावास्क्रिप्ट सिखाई जाती है, तो आपको एक अच्छी फील आती है कि यार HTML से आप जाते हो जावास्क्रिप्ट की तरफ CSS के थ्रू होते हुए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग बाय एनी चांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, दिस इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपको जावास्क्रिप्ट सिखाएगा कोर्स, और दूसरी चीज़ जो कोर्स आपको सिखाएगा वो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। मेरे हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आपको पता चल गया ट्री क्या होता है, आपको पता चल गया ट्राई क्या होता है, आपको पता चल गया सेगमेंट ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ ग्रेट कोर्स फॉर दैट, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अपना सीखना चाहते हैं। और जावास्क्रिप्ट से आप लोग सीखोगे तो फ्यूचर में आपको वेब डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद अगर आप लोग बैकएंड सीखना चाहते हैं तो एक्सप्रेस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न एंड जोनस श्मिटमैन हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस कोर्स। मैंने लोगों से बात की है जिन्होंने इस कोर्स को लिया है एंड इस कोर्स का फीडबैक ट्रूली अमेजिंग है, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट कोर्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, वो जावास्क्रिप्ट के लिए तो भले ही नहीं होगा लेकिन इस कोर्स के अंदर आप लोगों को MongoDB सिखाया जाता है। और जब आप लोग MongoDB को सीखोगे क्लोजली तो आपको पता चलेगा कि MongoDB इज एक्चुअली जावास्क्रिप्ट बेस्ड। आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ कोड आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो, क्वेरी वगैरह जो लिखते हो वो ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से, और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो डेटाबेस अगर आप लोग सीखना चाहते हो MongoDB फ्रॉम स्क्रैच, वो भी इन डेप्थ, दिस इज द कोर्स फॉर यू। तो मैं इन सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे ही कोर्सेज मिलेंगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दीज कोर्सेज क्योंकि थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है विद डाउट सपोर्ट, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी बेटर देन दैट। तो आई होप कि ये कोर्सेज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद जो चौथी मिस्टेक है ना, वो तो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं और वो है नॉट मेकिंग इनफ प्रोजेक्ट्स। यस, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, खुद से बनाने। मैंने अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स बनवाए और उसी के साथ साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे बनवाए, मिनी प्रोजेक्ट जिसको आप लोग कह सकते हो, फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर जनरेटर, डाइस सिमुलेटर। ये सारी चीजें एक बड़े प्रोजेक्ट में काउंट नहीं होती है लेकिन आप लोग को बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। आप लोग अपने से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें कि आपने अपना वैल्यू एडिशन किया हो, फिर चाहे उसका बेस मेरे ही प्रोजेक्ट से क्यों ना आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टिक टैक टो बनाया है तो आप लोग मल्टीप्लेयर टिक टैक टो बना सकते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू सॉकेट्स के थ्रू डेटा को भेजेगा। ऐसे में आप लोग का जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका यूनिक होगा और आपने एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन उसमें किया होगा। जितने प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाओगे उतनी ज्यादा पकड़ होगी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स ना बनाना एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में काम करो, फ्रीलांसिंग करो या फिर अपने लिए भी जावास्क्रिप्ट लिखो, तो आप लोग रियल वर्ल्ड चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होगे जिसको रियल वर्ल्ड यूजर्स यूज करेंगे। तो ऐसे में आप लोग कुछ बिल्ड करो इंस्टेड ऑफ लर्निंग थ्योरी टू मच। हाँ बिल्कुल, थ्योरी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, आप लोग के पास अपने नोट्स होने चाहिए वो जरूरी है, लेकिन आप लोग अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ जो 2 रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बोली थी वो है मेरे हैंड रिटन जावास्क्रिप्ट के नोट्स, जो कि आप लोग एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। आप लोग जब मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर नोट्स सेक्शन में क्लिक करके आप लोग जावास्क्रिप्ट के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें सिर्फ उतनी चीजें ऐड करी हैं जो कि जरूरी है, आप लोग उसको डाउनलोड करें, बहुत ज्यादा हेल्प वो आपको करने वाला है। उसी के साथ साथ मैंने एक जावास्क्रिप्ट की चीट शीट बना रखी है, तो चीट शीट को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। तो ये 2 रिसोर्सेज गेम चेंजिंग आप लोगों की जावास्क्रिप्ट लर्निंग में साबित हो सकती हैं। और क्योंकि मैंने इसमें इतनी सारी मेहनत डाल ही दिया ऑलरेडी, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करें एंड आई एम श्योर कि यू विल लव इट। एक बार आपने कोर्स कर लिया उसके बाद भी, और जब भी आप कोई चीज भूल जाते हो चीट शीट में से आपको कोड मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी ये चीट शीट एंड हैंड रिटन नोट्स भी ऑफ कोर्स। अगर आप लोगों ने मेरे हैंड रिटन नोट्स देखे हैं या फिर आपको अच्छे लगते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स एंड चीट शीट, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हां अच्छे लगते हैं, मुझे दिल से अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 5वीं मिस्टेक
एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बिगिनर डेवलपर्स करते हैं वो है कोड पॉल्यूशन। बहुत सारे लोग अपने कोड में इतनी ज्यादा लाइंस लिखते हैं जो कि जरूरी भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया, फिर आपने डिसाइड किया मैं फंक्शन यूज ही नहीं करूंगा और आपने वो फंक्शन रहने दिया अपने कोड बेस में, आपको इतनी बुरी तरह कंफ्यूज करेगा ना। आप लोग को एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज इतनी ज्यादा अनोइंग हो जाती है ना आने वाले टाइम में। अगर आप लोग उस सोर्स कोड को मेंटेन करना चाहते हो लंबे अरसे तक, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग कोड पॉल्यूशन कम से कम रखें, ग्लोबल स्कोप पॉल्यूशन कम से कम रखें, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल्स भी बना लोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जावास्क्रिप्ट के बाद मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं आप रिएक्ट की तरफ जाएं, नेक्स्ट जेएस जैसे फ्रेमवर्क से बिल्ड करें, क्योंकि ये आपके टाइम को बहुत ज्यादा बचाने वाले हैं और उसके बाद आप लोग एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर और भी ग्रो कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफी हेल्प होगी अपनी जावास्क्रिप्ट जर्नी में इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।